हाय माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। तो जैसे कि रक्षाबंधन बहुत पास आ चुकी है, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये सिंपल सी रक्षाबंधन मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो किस तरीके से मैंने इस लुक को अचीव किया है, देन प्लीज़ कीप वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने फेस पर टोनर एंड मॉइस्चराइजर पहले ही अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर अप्लाई करूँगी। 2 पंप प्राइमर यहाँ पे मैंने लिया है, इसको मैं अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई कर लूँगी एंड देन थोड़ा बहुत जो मेरे हैंड में रहेगा उसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद लैक्मी 925 का फाउंडेशन मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैंने थोड़ी सी अपने ड्रेस पे भी गिरा दिया है। लिक्विड कंसिस्टेंसी है तो कभी कभी गिर जाती है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को अच्छे से अपने पूरे फेस एंड नेक पे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद अपने फेस को थोड़ी सी मैं हाईलाइट कर लूँगी। इसके वजह से मैंने यहाँ पे लिया है NYBAY का ये कंसीलर। जहाँ मैं हाईलाइट करना हमेशा पसंद करती हूँ वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी, लेकिन मैं बहुत कम क्वांटिटी में आज कंसीलर को अप्लाई करूँगी क्योंकि रक्षाबंधन मेकअप है, घर पे ही ये फेस्टिव जो है मनाया जाता है, तो इतना ज़्यादा हैवी मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया है। सेम डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर को मैं सेट करूंगी, यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके अंदर जो पफ आता है इस पाउडर के साथ ही, इससे मैं पहले अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि वो क्रीज ना हो जाए। इस वजह से पहले कंसीलर को सेट करती हूँ और उसके बाद अपने पूरे फेस पे मैं पाउडर को सेम पफ की हेल्प से प्रेस कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। इससे मेरे फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। देन पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से पूरे फेस पे पाउडर को ब्लेंड कर रही हूँ। ऑफ कैमरा में मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लिया है और उसके बाद अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ये अल्ट्रा स्कल्प्ट कॉन्टोर पैलेट। इसमें से ये कॉन्टोर शेड को पिक करके मैं अपने पूरे आई स्पेस अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले मैं अपने पूरे आई स्पेस को अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं सिर्फ अपनी जहाँ पे कलर को अप्लाई किया था उससे थोड़ी ऊपर कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि ऊपर की तरफ कलर थोड़ी सी हल्का हो जाए और ऐसा लगे कि मैंने ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया है। सेम कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट में से ये डार्क कलर शेड को पिक करके मैं अपने आई लीड में कलर को पहले प्रेस करके इस तरीके से बिठाऊंगी एंड देन अपने क्रीज लाइन तक सर्कुलर मोशन में लेते हुए ब्लेंड कर लूँगी। इस कलर को अपने आई लीड पर ही रखिएगा, अपने क्रीज लाइन के ऊपर ये कलर नहीं जाना चाहिए। सेम कलर को मैं अपने वाटर लाइन के करीब करीब फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। देन दोनों कलर को एक साथ ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैशेस पे और अपर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से।
देन अपने फेस को थोड़ी सी कॉन्टोर करूँगी। सेम मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टोर किट मैंने लिया है, इसमें से कॉन्टोर शेड को पिक करके अपने फेस को हल्का सा मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो फेस है वो थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्ड लगेगी। देन इसमें से ये जो ब्रॉन्जर शेड उन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा शेड है, थोड़ी बहुत शिमर पार्टिकल्स है इसमें, तो इससे मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लूँगी। अपने फोरहेड पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। हेयरलाइन के करीब करीब भी आपको ब्रॉन्जिंग करना होगा अच्छे से, वरना अलग अलग दिखती है। अपने जॉ लाइन को भी अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। यह है ग्लैम 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे, इससे मैंने अपने पूरे फेस को सेट कर लिया है। देन सेम कॉन्टोर पैलेट में से यह हाइलाइटर शेड को पिक करके मैं अपने हाइस्ट पॉइंट पर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है ये हाइलाइटर आपके फेस पे, आप देख सकते हो। बहुत ही माइल्ड हाइलाइटर है, बिल्कुल भी इसमें कोई चंकी ग्लिटर्स वगैरह नहीं है, आपको नेचुरल एक ग्लो देती है। तो इसको मैं जहाँ जहाँ मैं हाइलाइट करना पसंद करती हूँ वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और सेम कॉन्टोर शेड को पिक करके मैं यहाँ पे अपने नोज को थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सेम हाइलाइटर शेड को पिक करके मैं अपने ब्राउ बोन को और अपने इनर कॉर्नर्स पे आईज के अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी, यह है पर्पल का मैट लिपस्टिक, शेड नंबर है हाइकिंग दैट आई वांट टू। और यहाँ पे मेरी मेकअप कंप्लीट हो चुकी है। ऑफ कैमरा में मैंने अपने हेयर्स को थोड़ी सी सिंपली ऐसे नीचे से एक पोनीटेल किया है। सो यही थी मेरी आज की फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कमेंट कर देना और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।